यदि आप किसी ऐसे कंपनी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइनिंग करने वाले हैं जो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर है, यानी कि अपने कर्मचारियों के पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा काटती है, तो उसमें अक्सर आपको देखने को मिलता है कि आपसे फॉर्म नंबर 11 फिल करवाया जाता है। कुछ कंपनियां तो ऐसी होती हैं, अगर आपके पिछले एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके का इशू होता है तो वो बोलती हैं कि भैया आप फॉर्म नंबर 11 हमें फिल करके दीजिए, उसके बाद से आपकी कंपनी आगे का प्रोसेस करती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसे में काफी लोगों के रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर फॉर्म नंबर 11 हमें फिल करना है, लेकिन इंटरनेट पे अलग अलग टाइप के फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, एक बार आप सजेस्ट कीजिए कि जो एक्चुअल ओरिजिनल फॉर्म है वो कौन सा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने रिसर्च करने की कोशिश की है और टोटल 4 टाइप के फॉर्म यहाँ पे देखने को मिले हैं, और इन चारों में से आपको कौन सा फिल करना है आज के इसी नए वीडियो में बताएंगे, और वो फॉर्म क्यों फिल करना है ये भी जरूर बताएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जो पहला फॉर्म है कुछ इस तरीके से देखने को मिला है, कंपोजिट डिक्लेरेशन फॉर्म 11, और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको डिटेल फिल करना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का फॉर्म है। अब देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद से जो अगला फॉर्म हमें देखने को मिला है वो देखने को मिला है, आप देख सकते हैं कंपोजिट डिक्लेरेशन फॉर्म 11, और इसमें थोड़ा सा आपको लुक में परिवर्तन देखने को मिलेगा, लेकिन जो डिटेल्स है वो बिल्कुल सिमिलर ही है। इसमें कुछ ऑप्शंस आगे हैं, कुछ सीरियल नंबर कुछ किसी में पीछे हैं, और हालांकि ईपीएफओ का लोगो है वो चारों में लगा हुआ देखने को मिल जाएगा। अभी हमने दूसरा देखा है और तीसरा फॉर्म कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे फॉर्म 11 रिवाइज लिखा हुआ है और कुछ इस तरीके से डिटेल आपको देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद से चौथा फॉर्म भी हम देखेंगे, चौथा फॉर्म कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है। देखिए फॉर्म 11 न्यू डिक्लेरेशन फॉर्म। अब ऐसे में अगर कुछ कंपनियां आपको फॉर्मेट प्रोवाइड कर रही हैं कि नहीं नहीं भैया इस फॉर्मेट में आपको फिल करके देना है, तो उस केस में तो आपकी कंपनी जो फॉर्मेट प्रोवाइड कर रही है उस फॉर्मेट में फिल करके दे देना है। लेकिन कुछ लोगों के केस में ऐसा भी देखने को मिला है, वे उनकी कंपनियों ने बोला है कि आप फिल करके अपने हिसाब से दे दो, जमा कर दो कंपनी में, तो इस हिसाब से आपको कौन सा फॉर्म भरना है। देखिए इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन या लैपटॉप में कोई सा भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है फॉर्म 11 पीएफ, कुछ इस तरीके से लिख देना है। अब देखिए यहाँ पे ब्राउजर हिस्ट्री में आपको देखने को मिल रहा है, एक तो ईपीएफओ की जो वेबसाइट से ये वाला फॉर्म देखने को मिल रहा है फॉर्म 11 रिवाइज्ड, और दूसरा फॉर्म यहाँ पे देखने को मिल रहा है फॉर्म नंबर 11 न्यू डिक्लेरेशन फॉर्म। देखिए फ्रेंड्स, ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे इन चारों फॉर्म में से केवल और केवल दो ही फॉर्म अभी अवेलेबल हैं करेंट में, बाकी के ये जो दो फॉर्म है ना, ये जो दो फॉर्म है शुरू का मैंने दिखाया ये अवेलेबल नहीं है। हो सकता है कि ईपीएफओ के वेबसाइट पे पहले ये फॉर्म अवेलेबल था, अभी हटा दिया गया है, ये कोई पुराना फॉर्म है या फिर किसी कंपनी ने कस्टमाइज करके बनाया है, क्योंकि ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये दोनों ही फॉर्म मैंने सर्च करने का प्रयास किया है, बिल्कुल कहीं भी नहीं दिखा है। अगर आपको दिखता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। बाकी के ये जो दो फॉर्म है दोनों ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल रहे हैं। अब इन दोनों में से ओके अच्छा वाला कौन सा है, ओरिजिनल कौन सा है, वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ईपीएफओ की वेबसाइट पे जो दो फॉर्म देखने को मिल रहे हैं, एक तो फॉर्म 11 रिवाइज है, तो रिवाइज वाला हमने इधर ओपन किया है। देखिए रिवाइज वाला कुछ इस तरीके से है, जो कि हमने तीसरा नंबर फॉर्म जाना था, और उसके बाद से चौथा कुछ इस तरीके से है। देखिए ये फॉर्म नंबर 11 न्यू डिक्लेरेशन फॉर्म, ये चौथा है, यानी कि ये जो ईपीएफओ की वेबसाइट पे मेंशन है ये वाला फॉर्म है, आप ओपन करके देख लेना, मैं केवल इधर समझा रहा हूँ बता रहा हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, इन दोनों में से जो ओके वाला फॉर्म है ना वो ये वाला है, देखिए एम्प्लॉईज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन और ये फॉर्म नंबर 11 न्यू। अब न्यू लिखने से ऐसा नहीं है कि ये नया हो जाएगा, देखिए ईपीएफओ ने खुद भी इसके बारे में बताया है, और जो कि पुराना सर्कुलर मुझे मिला है इसके साथ अटैच मिला है, आप देख सकते हैं कि ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी करके इसके बारे में डिटेल्स में बताया है। जो सर्कुलर जारी हुआ था वो 2 जनवरी 2015 को जारी हुआ था, और ये तब से ये वाला फॉर्म नया वाला फॉर्म अब अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे लिखा है ईपीएफओ ने कि ये जो फॉर्म हम ला रहे हैं ये नया वाला फॉर्म है, ये रिप्लेस कर देगा, किसको रिप्लेस करेगा, ये जो नया वाला फॉर्म है देखिए ये फॉर्म नंबर 11 न्यू, ये रिप्लेस कर रहा है एग्जिस्टिंग जो करेंट में चल रहा था उस टाइम फॉर्म नंबर 11 रिवाइज।
यानी कि यहाँ पे साफ साफ ईपीएफओ ने बताया है कि ये फोरम तो है रिवाइज वाला, लेकिन इसको रिप्लेस कर रहा है ये नया वाला फोरम, अब नया वाला फोरम ही यूज करना है। अब हालांकि काफी ज्यादा डिटेल्स में ईपीएफओ ने बताया है, तो इसके लिए हम इस सर्कुलर को पढ़ करके एक एक पॉइंट्स को बाद में समझेंगे, क्योंकि इस वीडियो में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। और लेंथी वीडियो को किसको पसंद आती है, अगर आपको पसंद आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। हालांकि ये नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो ईपीएफओ के द्वारा सर्कुलर लाया गया था, ये जो नया वाला फॉरम लाया गया था, तो इसके क्या क्या बेनिफिट है, ईपीएफओ ने बताया है क्या इससे फायदे होने वाले हैं आपको, और इसको किस तरीके से फिल करना है। देखिए ये फॉरम लगभग 3 पेजों का है, क्योंकि 2 पेज तो आपका सर्कुलर ही है, 2 पेज सर्कुलर है और बाकी के 7 पेज यानी कि 5 पेज का आपका ये फॉरम है। आप देख सकते हैं पहला नंबर फॉरम है, आपका जो नॉर्मल डिटेल है वही फिल करना है, बाकी और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो जो आप फिल कर सकते हैं वो सारा कुछ यहाँ पे देख सकते हैं, वो फिल करना है और आपके कंपनी को देना है। हालांकि आने वाले वीडियो में तो हम बात करने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप बात करने वाले हैं कि किस ऑप्शन में क्या आपको फिल करना है, जिससे आपको कोई भी किसी भी तरीके का परेशानी ना हो। तो जैसा कि आज के इस नए वीडियो में हमने जाना है कि भैया काफी लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि भैया इन 3-4 टाइप के फॉरम, अलग अलग टाइप के फॉरम देखने को मिल रहे हैं, हम कौन सा फॉरम फिल करके अपने कंपनी को दें। तो अब आपको क्लियर हो पाया होगा कि भैया ये वाला फॉरम ही आपको फिल करना है। हालांकि यहाँ पे मैंने ये भी बताया है कि किस तरीके से आपको गूगल से सर्च करना है, मैं इसका कोई लिंक नहीं देने वाला हूँ, आपको गूगल से सर्च करके और ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट से ही कोई भी फॉरम लेना चाहिए, किसी फर्जी वेबसाइट से या फिर किसी भी वेबसाइट से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपडेटेड फॉरम है वो ईपीएफओ अपने वेबसाइट पे ही रखता है, यानी कि कुछ भी अपडेट आता है तो ईपीएफओ वहां से रिप्लेस कर देता है, तो इसलिए हमेशा आपको अपडेटेड फॉरम ही मिलेगा। आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। इस वीडियो के माध्यम से आप और क्या जानना चाहते थे जो कि मैं कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है जैसे ही आ जाएगा, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसके लिंक भी पिन कर देंगे, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं।